झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह से एवन टीवी की संवाददाता पल्लवी कुमारी ने खास बातचीत की। झारखंड में रामनवमी की भी तैयारी की जा रही है, उनके मैं मौजूद हूँ अभी प्रायल जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के तरफ से पंडाल बनाया जाता है। उनके अध्यक्ष है हमारे साथ रमेश सिंह, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि रामनवमी को लेकर क्या कुछ तैयारी की है। हम लोग धार्मिक काम है या कोई राजनीतिक काम नहीं, एक आचार संहिता से हम लोग बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इस तरह प्रोग्राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए, इस तरह रामोत्सव कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे भी कराया, पूरे देश में राम भक्ति की गूंज रही। इसी तरह 500 वर्ष के बाद जब अपने मंदिर में विराजमान किया, उसके बाद ये पहली रामनवमी, इसे भी हम लोग भव्य तरीके से मनाएंगे और आचार संहिता जो भी सरकार का नियम है उसके नियमों का पालन करते हुए सारा चीज किया जाएगा। यहाँ पे भव्य राम दरबार का बनाया जा रहा है, पूरा प्रारूप राम दरबार बनाया जाएगा, जिसमें दिल्ली और हरिद्वार के कलाकारों के द्वारा यहाँ नाट्य मंचन राम जी की जीवनी पर होगा, राम दरबार के साथ होगा। बजरंग बली के 300 रूपों को बुलाया गया बाहर से, जो बेहद ही आकर्षक और अलौकिक दृश्य होगा। यहाँ पे यहाँ हजारों हजार लोगों के लिए आइसक्रीम, कुल्फी, बिस्किट, चना, शरबत और भी बहुत तरह के आइटम हैं, जीरा। सुरक्षा प्रशासन के द्वारा तो इंतजाम दिया ही जाता है, हम लोग अपना वॉलेंटियर भी हैं, प्राइवेट गार्ड भी रखते हैं। प्रभुराम का जब इतना बड़ा रामोत्सव यहाँ पार हो गया तो ये रामनवमी भी अच्छे से गुजरेगा और रांची की जनता आपकी सौहार्द को समझती है, इसलिए यहाँ पर कोई तरह की कठिनाई नहीं है। हम लोग राम मंदिर 14 फीट का है, बड़ा बजरंग बली का हम लोग निर्माण करा रहे हैं, एक 14 फीट के ही राम जी प्रभुराम का भी यहाँ प्रतिमा लगेगा, पूरा राम दरबार लगेगा, राम परिवार का भी आकर्षक यहाँ पर झांकी दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ जिस तरह प्रभुराम लौटे हैं 500 वर्षों के बाद, इस रामनवमी को भी हम लोग पहली रामनवमी मानते हुए प्रभुराम के लौटने के बाद इसको भव्य रूप से मनाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पे भव्य दरबार, राम मंदिर दरबार लगने वाला है और लोगों की सुरक्षा का भी उसका इंतजाम किए गए, जिस तरह से प्रशासन भी इस पर लगी हुई है। और जहाँ तक जुलूसारी की बात करिए, खाने की बात करें, तो उनके भी गर्मी के टाइम में खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एवन टीवी से। पल्लवी कुमारी की रिपोर्ट, रांची।